नमस्कार, स्वागत है आपका ई न्यूज एमपी में। मैं हूं आपके साथ सचिव पांडे। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। जिला कांग्रेस कमेटी सीधी द्वारा 21 सितंबर को पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल की अगुवाई में तहसील कार्यालय रामपुर नैकिन का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने बताया कि रामपुर नैकिन तहसील अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार, निराश्रित विकलांग वृद्ध पेंशन, आवास योजना में धांधली, समय में किस्त का भुगतान न होना, खादान पत्रता पर्ची में मनमानी, द्वेष पूर्वक बीपीएल से नाम काटना, पात्र लोगों के नाम न जोड़ना, किसानों की जमीन के नक्शे सुधार, नकल खसरा खतौनी में परेशानी, बिजली बिल, खाद संकट जैसी जन समस्याओं को लेकर तहसील का घेराव किया जाना है। पूरे जिले में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर जले हुए पड़े हैं, केबल झूल रही हैं, बारिश नहीं हुई, सीधी जिलों को सूखा ग्रस्त घोषित नहीं किया गया, पेंशन में कटौतियाँ हो रही हैं, समय से मिल नहीं रही हैं, विकलांग पेंशन का जो फिर से मूल्यांकन हो रहा है, निराश्रित पेंशन से लोग परेशान हैं, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनको लेके जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि सबसे पहले तहसील कार्यालय को हम घेराव करेंगे। उधर पुरानी पेंशन बहाली एवं शिक्षकों की अन्य समस्याओं को लेकर आजाद अध्यापक संघ द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विगत दिनों भोपाल में हुए प्रदर्शन के बाद आजाद शिक्षक संघ ने मांगे पूरी न होने तक निरंतर जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था और इसी के तारतम्य में आजाद अध्यापक संघ सीधी द्वारा स्थानीय विधिका भवन में विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से अपनी मांगों को लेकर आह्वान भी किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष हरीश मिश्र एवं प्रदेश उपाध्यक्ष विजय तिवारी ने कहा कि सरकार जब तक शिक्षकों की मांग पूरी नहीं करेगी तब तक निरंतर शिक्षक आंदोलन रहेंगे। नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर प्रथम चरण का आयोजन किया गया, जिसमें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को लाभ प्रदान करने की अनूठी पहल की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा द्वारा समस्त वार्ड पार्षदों के साथ शिविर में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी गई एवं उनके निराकरण के लिए कार्यवाही भी की जा रही है। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा सीधी के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के महेश पैलेस में हर महीने के भांति माँ दुर्गा जी के महाआरती का आयोजन किया गया। उसके उपरांत कार्यकर्ताओं द्वारा सीधी शहर के पुराने बस स्टैंड, लालता चौक, कोतवाली रोड, सम्राट चौराहा, अस्पताल चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिले भर में व शहर के अंदर अवैधानिक रूप से संचालित शराब, मांस, मेडिसिन जैसे नशे पर रोक लगाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर तहसीलदार सौरभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने में हजारों महिला पुरुष मौजूद रहे। आज भगवती मानव कल्याण संगठन नशा मुक्ति सद्भावना यात्रा श्रीनगर में निकाल करके, जो हर गांव में अवैध है, नशे का व्यवसाय चल रहा है, गांजा है, शराब है, कोरेक्स है, उस पर रोक लगाने के लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहां पहुंच करके ज्ञापन दिया है। यदि उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय सचेतना पार्टी आगामी बड़ा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। आज समाज नशे की मात्र जो बर्बाद हो रहा है, जितने अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार, हत्या जैसे अपराध सब नशे की वजह से हो रहे हैं। वहीं विंध्य क्षेत्र के रीवा नईगढ़ी में एक दुष्कर्म के आरोप में 6 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। आरोपियों पर कार्यवाही करते हुए मऊगंज SDM तथा SDOP की उपस्थिति में आरोपियों के घर को JCB से तोड़ा गया। ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश अरविंद की ऐसी और खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook और WhatsApp से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप रोज की खबरें हमारे वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब आप Google Play Store पर जाकर हमारा ऐप eNewsMP भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।